नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मध्य प्रदेश में कोरोना ने सरकार और प्रशासन के पसीने छुड़ा रखे हैं। आए दिन कोरोना के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है और बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मरीजों की लगातार बढ़ती तादाद के बीच मध्य प्रदेश की विदिशा से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। और यकीन मानिए, ये खबर ऐसी है जिसे सुनकर आपको भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस खबर को फर्जी बताने में जरा सा भी देर नहीं लगाएंगे। लेकिन यकीन करिए, खबर एकदम सही है और होश उड़ा देने वाली है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच लापरवाही की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। और इसी लापरवाही के चलते एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने तहलका मचा दिया। कोरोना के मामलों के बीच लापरवाही के बीच विदिशा जिले में भी स्वास्थ्य विभाग की ऐसी ही एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जब एक कोरोना मरीज को एक बार नहीं बल्कि दो दो बार मृत घोषित कर दिया गया। मरीज की मौत की खबर सुनकर जैसे ही परिजन अस्पताल पहुंचे तो बताया गया कि उनकी मरीज के सांसें चल रही हैं। परिजनों ने डॉक्टरों से मरीज के अच्छे इलाज की मांग की, लेकिन 14 अप्रैल बुधवार की सुबह 8:30 बजे डॉक्टर का एक बार फिर फोन आया। इस बार भी डॉक्टर ने मरीज की मौत की खबर परिजनों को सुनाई। दुखी परिजन जब अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मरीज को देखने की जिद की, तो स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने मरीज का अंतिम संस्कार करने के लिए मना कर दिया और कहा कि नगर पालिका की टीम मरीज का अंतिम संस्कार करेगी। जब मरीज के बेटे ने उसके पिता का शव देखने की जिद की तो पता चला कि ये किसी और का शव था। जांच पड़ताल की गई तो उनके मरीज की हालत गंभीर थी और वो अभी भी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है। मरीज गोरेलाल के बेटे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने उनके परिवार को काफी देर तक गफलत में डाले रखा। जब डेड बॉडी को देखा तब जाकर सच सामने आया। अभी उनके पिता की हालत गंभीर है और वो आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है। कैलाश ने बताया कि इस मामले की शिकायत भी की गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो सका। कैलाश ने बताया कि उनके पता गोरेलाल भोपाल ने रेलवे डाक विभाग में पोस्टमैन है। वहीं इस मामले पर अस्पताल के डीन सुनील नंदेश्वर का कहना है कि कोरोना के चलते आपाधापी बढ़ गई है। कहीं मरीज वेंटिलेटर पर है तो दूसरे की सांसें फूल रही हैं, तीसरा ये हो रहा है तो थोड़ा सा हो जाता है। डीन ने कहा कि मरीज वेंटिलेटर पर ही थे, उनके हृदय की गति रुक गई थी, तो इस समय किसी नर्स ने बता दिया कि इनकी मृत्यु हो गई है। परंतु हृदय की गति रुकती है तो उसके बाद में डॉक्टर उनको हृदय के दोनों हाथों से दबाकर हृदय को दोबारा चालू करने की कोशिश करता है, जिसमें 1 से 2 घंटे करीब लग जाते हैं। इस वजह से ये गड़बड़ी हो गई। इसी घटना के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल एक बार फिर से खुल गई है। इससे पहले भी इस तरह की लापरवाही सामने आ चुकी है। फिलहाल एक खबर हैरान करने वाली थी और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी खबरें सामने ना आए ताकि लोग अपने परिजनों को ना खोएं। इस खबर में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।